स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। मैं सिद्धांत सरल वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों का प्रश्न कुंडली के 12वें भाग में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, विशेष करके टीनेजर्स के लिए है, जो ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका वापस आएगी। तो ये प्रश्न सिर्फ प्रेमिका से संबंधित है कि अगर कोई आके पूछता है ज्योतिष से कि क्या मेरी प्रेमिका वापस आएगी जो मुझसे रूठ के चली गई, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से उसको हम किस तरह से देखेंगे वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। सबसे मुख्य बिंदु यहाँ आपने ध्यान देना है कि प्रश्न कुंडली के वक्त अगर शुक्र सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है और शुक्र अगर वक्री है, जी हाँ, यहां शुक्र का वक्री होना प्रेमिका के लौटने का इंडिकेशन देता है। शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठा है और मार्गी है तो आपकी प्रेमिका वापस नहीं आएगी। ये आप समझ सकते हैं या अपने जातक को कह सकते हैं जो आपसे पूछ रहा है। शुक्र अगर यहाँ वक्री है और अस्त नहीं है, शुक्र अगर उदित हो रहा है, सूर्य से दूर है, तो आप जातक को कह सकते हैं कि प्रेमिका आपकी वापस आ जाएगी। अगर शुक्र प्रश्न कुंडली के वक्त मार्गी है और कंबस्ट है, यानी सूर्य के द्वारा अस्त है शुक्र, तो प्रेमिका आपकी वापस नहीं आएगी, ऐसा ज्योतिष जातक को कह सकते हैं। कुछ और बिंदु भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला पॉइंट ये है कि अगर सूर्य प्रथम भाव में है या सूर्य द्वितीय भाव में है या सूर्य तृतीय भाव में है, अगर तीन इन स्थानों पे सूर्य अगर बैठा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि प्रेमिका नहीं लौटेगी। यहां जो मैं सूर्य को स्थान दे रहा हूं एक दो तीन, यानी प्रथम भाव द्वितीय भाव और तृतीय भाव में, इसका यहाँ के शुक्र से कोई मतलब नहीं है। ये शुक्र के बारे में जो मैंने बताना था वो बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है शुक्र सूर्य के आगे पीछे और शुक्र के साथ ही होता है, इसलिए सूर्य और शुक्र आमने सामने कभी नहीं हो सकते। ये मैं एक और बिंदु बता रहा हूं कि सूर्य अगर एक दो तीन भावों में है तो प्रेमिका नहीं लौटेगी। यहाँ आप इस तरह भी जोड़ सकते हैं कि शुक्र सप्तम में नहीं है, शुक्र यहां बैठा हुआ है, तो शुक्र से आप यहाँ फलादेश नहीं कर पा रहे। शुक्र अगर, अब आप यहां देख सकते हैं कि विनस प्रश्न के वक्त अगर यहां है या छठे भाव में बैठा हुआ है या सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो आपकी रूठी हुई प्रेमिका वापस आ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं चंद्रमा का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो चंद्र अगर पंचम भाव में या छठे भाव में या सप्तम भाव में अगर बैठे हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि आप की प्रेमिका वापस आएगी। लेकिन ये चंद्रमा बलि होना चाहिए, यानी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होना जरूरी है। अगर छीन चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष का है और अमावस्या के आसपास का है, तो आएगी प्रेमिका वापस, लेकिन देर से लौटेगी, आने में उसको देर होगी। तो ये एकदम सरल और सीधे शब्दों में मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने कि प्रश्न कुंडली के द्वारा किसी के प्रश्न का उत्तर, यानी प्रेमिका से संबंधी उत्तर या प्रेमिका के रूट के चले जाने संबंधी उत्तर आप सरल तरीके से किस तरह दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। ये वीडियो भी कॉमन क्रिएटिव है, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं जाएगा किसी के पास। थैंक यू।